राहुल गांधी के खिलाफ जो फैसला आया है, इस फैसले से पूरे देश की कांग्रेस, देश की जनता सहमत नहीं है। पूरे देश की जनता सड़कों पर है और एकमात्र कारण है। ऐसे में बीजेपी का षड्यंत्र बीजेपी के लिए महंगा पड़ेगा। आप सुन लेना, अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। राहुल गांधी के खिलाफ जो फैसला आया है, इस फैसले से पूरे देश की कांग्रेस, देश की जनता सहमत नहीं है। जयपुर शहर कांग्रेस के आह्वान पर यहाँ पर सब विधायक, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जब सूचना मिली यहाँ इकट्ठा हो गया। आज जयपुर के, जयपुर ही नहीं, पूरे राजस्थान के हर डिस्ट्रिक्ट में प्रदर्शन हो रहे हैं। राजस्थान के सब जिला कांग्रेस कमेटियां, शहर कांग्रेस कमेटियां प्रदर्शन कर रही है पूरे देश में। पूरे देश की जनता सड़कों पर है और एकमात्र कारण है, जिस राहुल गांधी ने आवाज़ दी, तिरंगा मेरा धर्म है, तिरंगा मेरी आन बान और शान है, तिरंगे के लिए मैं जीता हूँ, तिरंगे के लिए मैं मरने की ताकत रखता हूँ। आज उस राहुल गांधी को, कांग्रेस को आप षड्यंत्र में इसलिए फंसा रहे हैं क्योंकि बीजेपी के लोग डरते हैं कांग्रेस से, राहुल गांधी से, कांग्रेस के नेतृत्व से, कांग्रेस की सच्चाई से, ईमानदारी से। इसलिए ये सारा माहौल जो आज क्रिएट हुआ है, आप ये मानकर चलना, देश में राहुल गांधी की आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता। राहुल गांधी जी ने एक नेता के खिलाफ व्यक्तिगत बयान दिया, किसी जाति को टारगेट नहीं किया। जिस राहुल गांधी के साथ गांधी लगता हो, और गांधी तो भारत को रिप्रेजेंट करता है, हर जाति धर्म को रिप्रेजेंट करता है, पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करता है, और आपको पता है अहिंसा दिवस गांधी जयंती के दिन मनाया जाता है। ऐसे में बीजेपी का षड्यंत्र बीजेपी के लिए महंगा पड़ेगा। आप सुन लेना, अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। राहुल गांधी के खिलाफ जो ये फैसला आया है, हम सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करेंगे, कोर्टों में भी जाएंगे, लेकिन राजस्थान की सड़कों पर राजस्थान की कांग्रेस, चाहे वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, चाहे डोटासरा जी हो, चाहे हमारा हर मंत्री हो, ये यहाँ पे महेश जी खड़े हैं, रफीक खान साहब हमारे MLA खड़े हैं, ये महेश जी, ये सीताराम जी, जसवंत जी और गोविंद जी मेघवाल साहब, ये तमाम नेता यहाँ पर खड़े हैं, ये सब, और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पार्षद खड़ा है, ये अपने आप पहुँचे ना, ये रिएक्शन है कांग्रेस पार्टी का। और आप सुन लेना, इस देश में हम टकराव नहीं चाहते, हम इस देश में चाहते हैं लोकतंत्र का सम्मान, और हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतंत्र को सुरक्षित रखें। लेकिन अब तैयारी हो रही है लोकतंत्र को खत्म करने की, एक पार्टी का शासन लाने की, चाइना की तरह नीति बनाने की, लोकतंत्र की आवाज़ को खत्म करने की। ये आवाज़ जो खत्म करने की कोशिश हो रही है, उससे कांग्रेस डरने वाली नहीं है। हम खून पसीना बहा देंगे, लेकिन पूरा देश और माँ बहन बेटी का आशीर्वाद राहुल गांधी के साथ है, कांग्रेस के साथ है। लड़ेंगे, मरेंगे, लोकतंत्र का सम्मान करेंगे, न्यायालय का सम्मान करेंगे, लेकिन न्यायालय के इस फैसले से हम सहमत नहीं हैं। हम ऊपर अपील करेंगे। बीजेपी ने जिस तरह से माहौल बनाया और उनके खिलाफ ये अवमानना का जो दायर की याचिका कि एक जाति के विरुद्ध वो बोले, हम जाति के विरुद्ध नहीं हैं, हम तो जाति और धर्म का सम्मान करते हैं। जाति और धर्म में टकराव की बात बीजेपी करती है, कांग्रेस नहीं करती। इसलिए आज ये प्रदर्शन अचानक जयपुर में किया गया, पूरे राजस्थान में हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक राहुल गांधी को न्याय नहीं मिल जाएगा। उदयपुर में एक मंदिर है, सबसे पुराना मंदिर जगदीश मंदिर, वहाँ पोस्टर लगाया गया कि जो शॉर्ट कपड़ों में लोगों का आना बंद है, ड्रेस कोड तय हुआ है मंदिर का, शॉर्ट में नहीं आओगे, टी शर्ट पहन के नहीं आओगे। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि मेरी जानकारी में ये सब नहीं है, मैं तो खुद जगदीश महाराज का भक्त हूँ। किस कारण से क्या नोटिस जारी हुआ मेरी जानकारी में, जब पता चलेगा तो मैं बताऊंगा। मैं तो क्या प्रताप जी, आप ये मानते हैं मंदिर में कोई ड्रेस कोड हो या फिर इस तरह का? देखिए, मंदिरों में कोई ड्रेस कोड नहीं होता, लेकिन हर मंदिर का, मस्जिद का, गिरजाघर, गुरुद्वारे के अपने अपने नियम कायदे कानून है। बिना पता किए, बिना सब कुछ जाने परखे मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि धर्म से जुड़ा हुआ मामला है और मैं खुद धार्मिक आदमी हूँ। तो धार्मिक आदमी को पहले पूरी बात पता करनी चाहिए, फिर बोलना चाहिए। क्या थाके के मुँह में बोल पा लागे तो थकाटा कहीं कहीं चलाओ मान जा। चलो यार,